गॉड ओन्स टुमारो एक विचार नहीं है, गॉड ओन्स टुमारो महज एक प्रेजेंटेशन नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट। और मैं विश्वास करता हूं, यदि मैं और आप ये विश्वास करें दैट गॉड ओन्स माय टुमारो, योर टुमारो विल बी अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज फिर मुझे मौका मिला है कि आपसे मैं खुदा के कलाम से बात कर सकूं, और आज चाहता हूं गॉड के इस एपिसोड में आपसे बाइबल की दूसरी पुस्तक, जी बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक या खुरूज की किताब के बारे में बात करूं। बाइबल में ये एक ऐसी लौती पुस्तक है जिसके नाम में इसका अर्थ छुपा है। द टाइटल इटसेल्फ इज द थीम ऑफ द बुक। जी निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना, टू स्टेप आउट, अग्रसर होना, आगे बढ़ना। जहां तुम पड़े हो, जहां तुम फंसे हुए हो, जिस हालात में हो, वहां से निकल आओ। और मैं विश्वास करता हूं आज खुदा का कलाम तुमसे बात कर रहा है और तुमसे निर्गमन की किताब ये कहना चाहती है, निकल आओ। जितनी बार निर्गमन का जिक्र किया जाता है, जितनी बार निर्गमन की किताब पढ़ी जाती है, वो किताब कहती है निकल आओ, अपने हालात में मत रो, उन दुखों में मत पड़े रहो, पर निकल आओ। ये कहानी है इज़राइलियों की जब वो मिस्र देश में गुलामी में थे, और गुलामी जो 430 साल तक की थी। 430 साल में इज़राइल की इकॉनमी बर्बाद हो गई, इनके जवानों को युद्ध कौशल नहीं आता था, तलवार चलाने नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने कभी तलवार उठाई नहीं थी, उठाते थे तो तसला जो मट्टी से भरा था, फावड़ा, यही इनका काम था, मट्टी खोदो, ईंटे बनाओ, गुलामी करो, बस। थक गए थे, रो रहे थे, आसमान के खुदा ने इनकी पुकार को सुना और उसने अपने बंदे मूसा को तैयार किया कि इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल सके। और बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन तुम्हारे लिए और मेरे लिए आज खुदावन की ओर से इनाम है, जो मुझे और आपको बताना मांगती है कि आपको अपनी मजबूरी में, आपको अपने आंसुओं में, आपको अपने दर्द में, आपको अपनी पीड़ा में पड़े नहीं रहना है। गेट अप, इट्स हाई टाइम नाउ टू गेट अप फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर स्टक इन, जिस गुनाह में, जिन आंसुओं में, जिस दर्द में, जिस अतीत में तुम फंसे हुए हो, निकल आओ, बाइबल की पुस्तक तुम्हें उभार रही है। आपको मालूम 10 भयंकर महामारियों के बाद इजरायली मिस्र से बाहर निकल पाए थे। पहली समस्या थी कि नील नदी का पानी लाल हो गया, खून बन गया। मूसा गया, कहने लगा अब तो जाने दो, खुदा के लोगों को जाने दो। फिरौन का दिल कठोर था, उसने कहा नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद एक नहीं 10 भयंकर बीमारियां, कभी टिड्डियां आ गईं, कभी कुटकियां आ गईं, कभी मेंढक आ गए, कभी फोड़े फपोले हो गए, कभी आग बरस रही आसमान से, और हर बार मूसा कहता था मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, पर फिरौन कहता था नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आखिरी में एक भयंकर आपदा, द फर्स्ट बॉर्न, राजा से लेकर रंग तक के पेलौठे मारे गए। मिस्र देश में बड़ा हाहाकार था, पर इसराइलियों के यहां जश्न हो रहा था। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन गॉड अगेन सेड टू फैरो, मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन टूट गया, बर्बाद हो गया, और मजबूर होकर के उसे कहना पड़ा निकल जाओ। बताना मांगता हूं स्वर्ग के परमेश्वर के पास ताकत है कि तुम्हारी बीमारियों को, वो जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, वो जो तुम्हें जकड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ दे और तुम्हें आजाद कर दे। मीका ने बड़ा शानदार कहा है, 8वें अध्याय में कहने लगा ए मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, जो ही मैं गिरूंगा उठ खड़ा होऊंगा, और जब मैं अंधेरे में फंसूंगा तब यहोवा मेरी रोशनी होगा। आपको आज मैं इनकरेज करना चाहता हूं, यू डोंट हैव टू लिव in your sorrows, you don't have to live in your tears anymore. The book of Exodus is a testimony for you. Nikal aao bahar, khuda tumhe usme se nikalna mangta hai, khuda tumhe azad karna mangta hai. 14th adhyay mein israeli misr desh se nikal aaye, lal samundar ke samne aake khade ho gaye,
बड़े खुश थे, बहुत आनंद कर रहे थे, पर जब लाल समुंदर के सामने आके खड़े हो गए, अब घबरा गए। मालूम क्यों? क्योंकि अब आगे जा नहीं सकते हैं। किसी ने आके बताया, मूसा मूसा मूसा। मूसा ने पूछा, क्या हुआ? देखो पीछे पीछे देखो, घोड़ों की आवाज आ रही है, बड़ी धूल दिखाई पड़ रही है। फिरौन बिल्कुल गुस्से में पागल हो गया है और आज चला आ रहा है, हमें बर्बाद कर देगा। जब इसराइलियों को मालूम चला, इसराइली रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा पर गुस्सा करने लगे, तू हमें जंगल में ढेर करने के लिए ले आया है, हमें जंगल में मार डालेगा क्या? हमारे पास मिस्र में अच्छी कब्रें थी। पर धन्यवाद करता हूं, अभी तो निर्गमन की किताब चल रही थी। लिटिल डिड दे रियलाइज द बुक ऑफ एक्सोडस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तुम हारोगे नहीं, तुम फंस नहीं जाओगे, तुम मौत में क्रश नहीं हो जाओगे, पर आसमान खुदा तुम्हारे लिए इस लाल समुंदर के बीच से रास्ता तैयार कर रहा है। यस, गॉड इज पेविंग अ वे फॉर यू इन द मिड्स ऑफ एडवर्सरीज, ही विल पार्ट द रेड सी। वो लाल समुंदर को तुम्हारे लिए दो भाग कर देगा ताकि तुम उसमें से निकल सको। हिम्मत बांधो, आज उत्साहित हो, कहो धन्यवाद प्रभु, निर्गमन की किताब मुझे बताती है कि तू मुझे निकालने के लिए तैयार है। आज से निर्गमन किताब पढ़ना शुरू कीजिए, विश्वास करना शुरू कीजिए। बाइबल में ये पुस्तक सिर्फ आपके लिए लिखी है, कहानी इसराइलियों की है, पर हकीकत मेरी और आपकी है, क्योंकि खुदा मुझे और आपको इस गुलामी से, इस दासत्व से पार निकालना चाहता है। यीशु मसीह बैतसदा में है और लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए कि यीशु मसीह उसके लिए दुआ कर दें कि वो देखने लगे। कमाल की बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसे नगर से बाहर ले गए, उसके लिए नगर में दुआ नहीं करी, पर हाथ पकड़कर यीशु मसीह उसका नगर से बाहर ले गए और वहां पर उस पर हाथ रखे, उसकी आंख पर थूका, मट्टी लगाई और चंगा कर दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा 23वें पद में, अब वापस लौट कर उस नगर में ना जाना। एक नगर में वो रह रहा था, मुझे मालूम नहीं उस नगर की क्या बात थी, पर मे बी देर वॉज सच अ कंपनी इन विच ही वॉज लिविंग वेर गॉड वॉज नॉट रियली वॉन्टिंग हिम टू बी। परमेश्वर नहीं चाहता था ये उस जगह पर रहे, उस बीमारी में रहे, उस अंधेपन में रहे, उस अंधेरे में रहे। आसमान का खुदा इससे पहले उसे चंगा करता, उसने उसे वहां से निकाला बाहर। वो तुम्हें भी उन गंदे दोस्तों, उस गंदी संगति, उस दर्द से, उस पुरानी यादों से बाहर निकाल करके तुम्हारी आंखें खोलना चाहता है, तुम्हें एक नया दर्शन देना चाहता है, एक नया डायरेक्शन देना चाहता है। He wants to give you a new hope and a beautiful future. Trust God. बहुत से लोगों ने हमें मेल्स लिखे हैं, बहुत से लोगों ने अपनी गवाहियां शेयर करी हैं, बहुत से लोगों ने ईमेल्स किए हैं, कॉल किए हैं। अगर आपको इससे आशीष मिली है तो जरूर से आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, आप जरूर से अपनी गवाही बांट सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं, यू विल नॉट बी स्टक इन इजिप्ट, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर हाथ बढ़ा करके तुम्हें उसमें से निकालने को तैयार है। सारी महिमा के योग्य है तू, सारे आदर के योग्य है तू। मैं तूने हाथ थामा, मुझको छुड़ा लिया, अकेला था मैं, तू पास रहा।